आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इतने बढ़िया शक्कर पारे की रेसिपी। इसको हम चाशनी में बिल्कुल भी पागेंगे नहीं, बिना चाशनी में पागे इतने बढ़िया ये शक्कर पारे बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। जिनके दांतों में प्रॉब्लम है वो भी इसको खा सकते हैं, बिल्कुल भी दांतों में चुभेंगे नहीं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ट्राई जरूर कीजिए एंड जस्ट लिसन द क्रिस्प। है ना कितना क्रिस्पी। रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग CCC क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। दिवाली स्पेशल सीरीज चल रही है, मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। गिव अवे कॉन्टेस्ट है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, रूल सभी फॉलो करें। वीडियोज को लाइक करना, शेयर करना इज मस्ट। आपको एटलीस्ट 4 to 5 ग्रुप्स में एक वीडियो को शेयर करना है। 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक दोनों चैनल्स पर जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं सभी को शेयर करना मस्ट है। जिनके स्क्रीनशॉट मेरी मेल आईडी पर आएंगे केवल मैं उन्हीं को चूज कर पाऊंगी। अभी तक किसी के भी नहीं आए हैं और अभी तक कोई भी विनर नहीं है, तो मेक श्योर कि आप सभी रूल्स फॉलो करें तभी विनर्स हो पाएंगे। तो देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। शक्कर पारे बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी मिल्क का और साथ में शुगर। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पाउडर शुगर, आधा कप पाउडर शुगर लिया है, साथ में ऐड किया है आधा कप वार्म मिल्क, मतलब हल्का सा निवाया दूध आपको इसमें ऐड करना है। आप इसमें मिक्स कर लीजिए। पाउडर शुगर नहीं है तो चीनी को पीस लीजिए, वो पाउडर शुगर बन जाती है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट चीनी को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब तक चीनी घुले उसका वेट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 2 कप मैदा। जो भी चीजें यूज कर रही हूँ मेजरमेंट आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर ले। तो 2 कप मैदा को छानकर हमने ऐड किया है। छानना इसलिए जरूरी है ताकि इसमें कोई भी इस टाइप के लम्स ना रहें। छान लेते हैं तो इसकी भी श्योरिटी हो जाती है कि कोई इसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं है। साथ में ऐड किया है आधा कप घी। घी आप देख सकते हैं बिल्कुल मेल्टेड नहीं था, तो आपको भी कुछ इसी फॉर्म में लेना है और आजकल इस टाइम पर घी इसी फॉर्म में रहता ही है। साथ में ऐड किया है थोड़ा सा इलायची पाउडर टेस्ट अच्छा लाने के लिए। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि थोड़ा ढीला है, मींस हल्का गीला गीला हो रहा है आटा, लेकिन जब आप इसको लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे उसके बाद आटा बिल्कुल सेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसे रोल करने में प्रॉब्लम आए तो आप इसमें 1 चम्मच मैदा मिक्स कर सकते हैं। इस टाइम आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है, ढककर रख दिया है। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं साइड से हल्का हल्का सा घी रिलीज कर दिया है। अब अच्छे से इसको आपको मत लेना है, मतलब जैसे हम आटे को मलाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से इसको मलाना है ताकि इसमें बहुत अच्छी सी लेयर्स बने। तो बहुत ही अच्छे से मैं इसको मलाऊंगी कुछ इस तरीके से कम 5 से 7 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करना है। अब आप इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। 2 हिस्सों में बांट लेंगे तो इसको रोल करना ईजी हो जाएगा। एक हिस्से को रख देते हैं, दूसरे हिस्से को रोल करना स्टार्ट करते हैं। रोल आपको बिल्कुल प्रेशर लगाकर नहीं करना है, अगर ज्यादा प्रेशर लगाकर रोल करेंगे तो इसमें वो लेयर्स नहीं बनेंगी, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से रोल करें। उसके बाद आपको इसे शार्प नाइफ से कट कर लेना है। जब आप इस मैदा को रोल करेंगे तो आपको सूखा मैदा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मोयन है, हमने घी का मोयन दिया है, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी तो बनते ही हैं, फोके भी बनते हैं और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कम से कम इतनी होनी चाहिए तभी ये अच्छी सी लेयर बनेगी और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। एकदम जो फोका एकदम कुरकुरा टाइप का होता है ना बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट आने वाला है और यकीन मानिए इतने ज्यादा टेस्टी लगेंगे ना आपको ये वाले शक्कर पारे। नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही बनाने वाले हैं, चाशनी वाशनी बनाने का भी झंझट नहीं है, सिंपल ऐसे बनाइए। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, हल्का सा मैदा डालकर देख लिया कि तेल गरम है या नहीं है, तो तेल अच्छे से गरम हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर आपको इन सभी शक्कर पारे को ऐड कर देना है कढ़ाई में। स्टार्टिंग के 5 to 7 मिनट्स आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, मीडियम से हाई बिल्कुल भी ना करें। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ऊपर से रेड हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं थिकनेस हमने काफी रखी है, इस अंदर तक पकना बहुत जरूरी है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देते हैं। जब लो फ्लेम पर जब तक पक रहा है तब तक अपने जो दूसरा रोल बनाया है उसको भी अच्छे से मला लेते हैं एक और बार। उसके बाद अगेन इसको कट करेंगे और इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर ये पक रहे थे 5 मिनट तक। अब फ्लेम मैंने मीडियम की है। जब ये हल्के से क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाए उस स्टेज पर आपको फ्लेम को मीडियम करना है और 3 से 4 मिनट में फिर ये इस तरीके से पक जाएंगे।
कलर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट आया है, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब ये ठंडे हो जाएं तब आप इसको टेस्ट कीजिए, ठंडे हो जाएंगे तभी क्रिस्पी लगेंगे, गरम गरम क्रिस्पी नहीं लगेंगे। तो जब तक एक बैच हमारा ठंडा हो रहा है, दूसरा बैच ऐड कर देते हैं कढ़ाई में, इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद आपको सभी शक्करपारे को पहले ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। ये महीने भर भी खराब नहीं होते हैं, महीने भर दो महीने भर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, टेस्टी बहुत ज्यादा लगते हैं, बचेंगे ही नहीं महीने भर। तो ट्राई जरूर करना, इतने टेस्टी लगते हैं। अब आपको इसका क्रिस्प सुनवाती हूँ, इतने क्रंची बने हैं ना, क्रंची एंड फोके। क्यों बने हैं ना बिल्कुल क्रिस्पी, अब देखिए तोड़कर दिखाया कितना इजीली टूट गया, मींस अंदर से बिल्कुल फोका है ऊपर से क्रंची है, बहुत ही कमाल का है। ट्राई जरूर करना, मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आते हैं, आपके घर में भी ना सभी को बहुत पसंद आएंगे। एक बार बनाएंगे तो जितने फर्स्ट टाइम बनेंगे ना वो तो खत्म ही हो जाने हैं, दोबारा जरूर बनाने पड़ेंगे। तो ट्राई जरूर कर लेना और आपके घर में लगे कैसे सबको अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलना। इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। और दिवाली स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज आने वाली हैं, एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, जस्ट लुक एट दिस। तो इन रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन गिव अवे कॉन्टेस्ट। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, बाय बाय।